गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ में चैप्टर 9 पढ़ेंगे हिंदी का, जिसका नाम है सदाचार। तो देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम होते हैं। नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है, जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट ना पहुँचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना आदि। ये उत्तम चरित्र के गुण हैं, यानी जो अच्छा जो चरित्र होता है ये सारे उसके गुण हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं उस व्यक्ति को ही हम सदाचारी कहते हैं, यानी वह व्यक्ति सदाचारी कहलाता है। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सत प्लस आचार। सत का मतलब होता है अच्छा और आचार का मतलब होता है व्यवहार, यानी सत प्लस आचार यानी अच्छा व्यवहार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है, यानी अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो इसी से पता चलेगा कि आप कैसे हैं, सदाचारी हैं या नहीं। फिर इसके बाद देखिए, सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है, यानी अगर आप सदाचारी बनना चाहते हैं तो उसके लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है, चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की। यानी जो व्यक्ति ईमानदार होगा वो हर चीज़ में ईमानदार रहेगा, सब में उसका व्यवहार ईमानदारी से पूर्ण रहता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, यानी उसके पास पैसा हो ये ज़रूरी नहीं है, अगर वो गरीब है फिर भी वो धनी होता है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है, यानी उसके मन को भी खुशी मिलती है और दूसरे लोग भी उसकी इज्जत करते हैं अगर आप ईमानदार हो तो। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो लोग उसकी इज्जत करेंगे ना ही उसे कोई इस तरह की खुशी मिलेगी। फिर देखिए, जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित और संयमी भी होता है। अनुशासित मतलब नियमों में रहने वाला, और संयम बरतने वाला यानी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करने वाला है ना, वो भी होता है। इन गुणों का को उसके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जाता है, यानी ये सारे जो गुण होते हैं उसकी बोलचाल से, उसके कार्य व्यवहार से, खाने पीने और रहन सहन से पता चल जाते हैं। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है, यानी वो स्वयं नियम में रहकर अच्छे व्यवहार के बारे में बताता है कि किस तरह उसका व्यवहार है। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है, यानी सच बोलना एक तरह की ऐसी तपस्या है जिसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते। तो देखिए, झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता, आप जानते ही हैं जो झूठ बोलता है उसे कोई पसंद नहीं करता। तो जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है, जो अपने दिल से सच बोलने का व्रत लेता है ऐसा व्यक्ति सदाचारी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी भी कीमत पर अपने सत्य बोलने के नियम को नहीं तोड़ता। फिर देखिए, सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है। तो सदाचारी व्यक्ति होता है वो जहाँ भी चला जाए वो हमेशा खुश रहता है, और अपने संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता देता है, यानी खुशी देता है अपने संपर्क में आने वाले लोगों को। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है, यानी सद्गुण और सद्व्यवहार का भंडार होता है उसके पास। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, यानी कोई उसकी झूठी तारीफ करे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह निर्भय होता है, विपत्तियाँ तथा प्रतिकूल परिस्थितियाँ प्रायः सभी के जीवन में आती हैं, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता, यानी कितनी भी मुसीबतें परेशानियाँ आएँ वो इनसे कभी भी नहीं घबराता। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए उनसे भी मुकाबला करने की क्षमता रखता है, उसमें माने कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी आ जाए तो भी वो उनसे भी मुकाबला कर सकता है। उसमें असीम धैर्य और सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं, यानी उसमें बहुत धैर्य होता है और सहन शक्ति जैसे गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है, परोपकार मतलब दूसरों की भलाई करना, ऐसा उसका नेचर होता है। वह अपने कार्य से सदा दूसरों का भला करता है, और वो इस तरह के कार्य करता है जिससे दूसरों का भला हो, लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है, कहीं भी कोई भी सभा या समुदाय हो वहाँ पर हमेशा उसको मान सम्मान दिया जाता है। सदाचार सफलता का मार्ग है, जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुँचाता है। सदाचार जो है वो सफलता का रास्ता है,
और जो व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छे व्यवहार के कारण उसके कठिन काम भी सहजता मतलब आसानी से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है, यानी उसके पास जो असीम ताकत होती है वो उनको प्रकट कर सकता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। जो व्यक्ति होते हैं वो अपने अच्छे कामों से ही महापुरुष बनते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी महापुरुष के घर में पैदा होने से वो महापुरुष बन जाते हैं, बल्कि वो अपने अच्छे महान कार्यों के कारण ही वो महापुरुष कहलाते हैं। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं, और ऐसे महापुरुष क्या होते हैं, हमारे आदर्श होते हैं, हम भी उनके तरह बनना चाहते हैं। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है, अनुकरण के योग्य है ना, जिसे हम भी उसको मान कर चले हैं ना। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार एक दूसरे के साथ। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है, यानी अच्छा व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। चलिए इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। तो इसके पीछे वाले पेज पर आएंगे, 136 पेज पर। सोचो और बताओ के ये तीनों क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। फिर इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो मनुष्य एक डैश है, तो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। दूसरा देखिए, सदाचारी बनने के लिए डैश होना आवश्यक है, यानी ईमानदार होना आवश्यक है। फिर देखिए, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्ठक में लिखिए। तो उत्तम चरित्र के गुण है, गुरुजनों का आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना या उपर्युक्त सभी। तो जानते हैं आप ये उपर्युक्त सभी, तो इसका क्रमाक्षर है घ। तो यहाँ पर आपको घ लिखना है। फिर अगला देखिए, सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। तो खंड सत्य, अखंड असत्य। तो राइट आंसर है अखंड, यानी ग। तो ग यहाँ पर आएगा। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं पूरे 7 तक। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ एग्जांपल में भी दिया हुआ है कि शब्दांशों और शब्दों को जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं। यहाँ शब्दांश है अनु और शब्द है शासन। अनु प्लस शासन मिलकर के बन गया अनुशासन। इसी तरह अनु प्लस प्रेरणा मिलकर के बना है अनुप्रेरणा। अनु प्लस रूप मिलकर के बना अनुरूप। तो शब्दांश है बे और शब्द है ईमान। तो इन दोनों को मिला करके लिखेंगे तो बेईमान बनेगा। महा प्लस पुरुष मिलकर के बनेगा महापुरुष। पर प्लस उपकार मिलकर के बनेगा परोपकार। तो आप इनको भी तीनों को कॉपी में करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर विलोम शब्द दिए हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें। तो यहाँ शब्द दिए गए हैं, यहाँ इस तरह से उतारने आपको कॉपी में ये वाला हिस्सा करना है आपको। पहले आप शब्दों को उतारेंगे, फिर उनका विपरीत अर्थ यहाँ लिखेंगे। जैसे सदाचार का दुराचार, ईमानदार का बेईमान, सम्मान का अपमान, निर्भय भयभीत, अनुकूल प्रतिकूल, सद्गुण दुर्गुण। और लास्ट वन आपको ये भी करना है, सदाचार के महत्व पर 5 वाक्य लिखें। अक्सर बोर्ड के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। तो जिस जिस पर मैंने टिक लगाया है, मैं भी फ़ोटो क्लिक करके डाल रही हूँ, तो आप उसमें से देख करके नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। थैंक यू।